हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। प्यारे बच्चों, एक बार प्रोविजन का एक आध क्वेश्चन और कर देते हैं और आगे भी प्रोविजन मेथड ही कंटिन्यू करना है हमारे को। बाबू, एक बार दोबारा से एक बात समझ लो। ये बात समझ में आ गई ना, मैं बोल रहा हूँ प्रोविजन मेथड में कुछ भी नहीं है, बस एक ही बात नहीं है। देखो बेटा, अभी तक हमने SLM मेथड पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डैप लगाते हैं। और दूसरा मेथड हमने पढ़ा है बेटा WDV, जिसमें हम रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है ना बेटा। इन दोनों मेथड में ही मैं अभी तक क्या करता हूँ बेटा, एक असेट अकाउंट प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है ना। इट मे बी प्लांट, इट मे बी मशीनरी, इट मे बी ट्रक, या जिस मर्जी फिक्स एसेट्स का नाम ले, ठीक है ना बाबू। और क्या करता जाता हूँ, जिस दिन मैंने प्लांट खरीदा होता है उस दिन लिखता हूँ टू बैंक अकाउंट, और बेटा डेप्रिसिएट करता चला जाता हूँ बेटा इसी अकाउंट में, और बेटा बैलेंस कैरेट डाउन करता चला जाता हूँ। जिस दिन बिक जाता है उस दिन तीन चीज़ें डाल देता हूँ बेटा, डेप भी डाल देता हूँ, बैंक बैलेंस भी मेरा बढ़ जाता है, या तो प्रॉफिट आ जाता है या लॉस आ जाता है, सब कुछ इसी अकाउंट में एडजस्टमेंट, ठीक है ना बेटा। बाबू, ये दोनों मेथड को ही करने का एक और तरीका भी है, सुनना बेटा। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, और बेटा दूसरा तरीका है बेटा, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है सुन लो बेटा। यही मेथड पर हमने 16 क्वेश्चन करे हैं, 8 क्वेश्चन SLM के करे हैं, 8 क्वेश्चन WDV के करे हैं। कहता है वो मेथड जहां आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते। सर मैंने शुरू के 16 क्वेश्चन में कहां बनाया ये अकाउंट, मैंने कहीं बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मैंने तो कभी भी नहीं बनाया। अब बेटा जो 17 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो कहते हैं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो। तो बेटा क्या डिफरेंस पड़ जाता है इन दोनों मेथड में बेटा, जिस मर्जी मेथड से कर लो आंसर तो बराबर ही आने वाला है, लेकिन कुछ डिफरेंसिएशन है ये समझ लो बेटा। क्या डिफरेंसिएशन है बेटा, यहां पर जब आप डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हो ना, तो आप एंट्री करते हो सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन भी डेबिट होता है, तो आप एंट्री करते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, इट मे बी प्लांट, इट मे बी मशीनरी, या कुछ भी हो सकता है बेटा, यही एंट्री करते हो ना बेटा, तभी तो मशीनरी अकाउंट में कहां लिखते हो बेटा बाय डेप्रिसिएशन। सर यही तो जर्नल एंट्री होती होगी ना, तभी तो यहां पर प्लेस हो रहा है बाय डेप्रिसिएशन। मशीनरी अकाउंट इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड, लेकिन नाम आता है बेटा हमेशा सामने वाली साइड का बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है ना बेटा। तो प्रोविजन अकाउंट जब आप नहीं बनाते, दैट सिंपली मीन सब कुछ एसेट्स में ही करते हो बेटा, डैप भी, प्रॉफिट लॉस भी, सब कुछ एसेट अकाउंट में। लेकिन ये कहता है बेटा जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़े तो क्या बेटा, यहां पर ना दो अकाउंट बनते हैं, एक एसेट का अकाउंट और दूसरा बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब सुनते जाना मेरे काम की बात बेटा, जिस परचेज वैल्यू पर मैंने एसेट को खरीदा होगा, जो भी मेरी एक्विजिशन वैल्यू होगी, परचेज वैल्यू होगी एसेट की, मैं उसी पर दिखाता चला जाऊंगा इसको, वही बैलेंस CD है, वही BD है, वही CD है, वही BD है बेटा, तब तक दिखाते चले जाओ जब तक आपने एसेट को बेचा नहीं। मैंने अगर एसेट 5 लाख की खरीदी है ना बेटा, तो बाबू मैं सिर्फ इसी को ही ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन करता चला जाऊंगा जब तक एसेट बिकी नहीं है। जिस दिन बिकी है उस दिन इस अकाउंट से बेटा डेप्रिसिएशन को उठा कर लाऊंगा। ये कौन सा अकाउंट है, प्रोविजन व डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा। मैंने एक बात बताने की कोशिश की थी आपको बेटा, मैंने एक एसेट खरीदी 5 लाख रुपए की, पहले साल का डेप है 50,000 रुपए बेटा। अभी तक जब मैं प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाता था, मैं इसी में से 50,000 माइनस करता था, इसी को 4.5 का शो कर देता था बेटा। ये मेथड क्या कहता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब क्या है, डैप को एक जगह पर इकट्ठे करते चले जाओ, डैप को कभी भी एसेट अकाउंट में नहीं डालना, तब तक नहीं डालना जब तक एसेट बिक ना जाए। तो मैंने क्या करा, पहले साल का डैप है 50,000, इस अकाउंट में नहीं लिखा, एसेट अकाउंट में नहीं लिख रहा हूं बेटा मैं इसको, इसको कहां लिख रहा हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख रहा हूं, डैप फॉर फर्स्ट ईयर इज 50,000
बेटा अगले साल का लेट सपोज डेप 40,000 रुपये, बेटा ये फिर कहता है यार नहीं लिखना, कहाँ लिखना है, प्रोविजन अकाउंट में लिखते चले जाओ 40,000। मान लो बेटा तीसरे साल का डेप है 30,000, ये फिर कहता है यहाँ नहीं लिखना बेटा, यहाँ लिखो। और कहता है बेटा तीसरे साल बाद ये मशीनरी बेच दी, जब बेच दी तो बेटा इस अकाउंट से सारा डेप उठाकर यहां ले आओ, अब करो कंपेयर। सर इन दोनों मेथड में बड़ा जरा सा अंतर है, बड़ा जरा सा अंतर। ये तो कहता है सब कुछ साथ साथ करते चले जाओ, डेप लगाते चले जाओ बेटा, और एसेट की रोज की वैल्यू निकालते चले जाओ, हर साल जो वैल्यू बचती है वो निकालते चले जाओ। ये कहता है परचेज प्राइस पे ही दिखाते चले जाओ जब तक एसेट नहीं बेची, और जिस दिन एसेट बेची सारा डेप उठाओ और बेटा ले आओ इस अकाउंट में, कर लो कंपेयर। बेटा यहां जो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है ना, वो एंट्री पता है क्या है, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, यहां पर भी डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लेकिन यहां एसेट में नहीं लेकर आता, मैं एसेट के अकाउंट में नहीं लेकर आता, यहां एंट्री करता हूं टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डैप को डेबिट करा, प्रोविजन अकाउंट में ले गया, अगले साल फिर डैप को डेबिट करा, फिर प्रोविजन अकाउंट, तीसरे साल फिर डैप डेबिट, फिर प्रोविजन अकाउंट। और जिस साल मेरी मशीनरी बिक गई उस साल मैंने एंट्री करी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। जिस दिन मशीनरी बिक जाती है बेटा उस दिन क्या करते हो आप, प्रोविजन से सारा का सारा डैप उठाकर मशीनरी में डाल देते। घूम फिर के बेटा अगर मैं देखूं इस एंट्री में और इन दोनों एंट्री में कोई अंतर नहीं है। क्यों बोल रहा हूं बेटा, देखो डैप टू मशीनरी हुई एंट्री, सर यहां भी यही हुई, जितने का प्रोविजन क्रिएट हुआ, जितने का क्रेडिट करा उतने का ही डेबिट कर दिया आपने, तो खत्म कर तो दिया एंट्री, तो फिर भी वही बची आखिरी में, आखिरी दिन आंसर वही आएगा बेटा जो इसका आता है बेटा, बस करने का तरीका हल्का सा ट्विस्टेड है। ठीक है जी, एक आध क्वेश्चन कर लो दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जिनको समझ में आया हुआ है ऑलरेडी, जो कि आया होगा 10-12 बच्चों को बेटा, वो इलस्ट्रेशन 17 और 18 खुद से कर रहे हैं, जिनको नहीं आया हुआ वो मेरे साथ साथ कर रहे हैं बेटा। आप अभी तो पूरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं मैं आपको, इलस्ट्रेशन 17 निकालो आप मेरे साथ साथ, ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूँ 3 से 4 बच्चों को समझ नहीं आया, आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन, जिनको आया है बेटा वो खुद से फटाफट से निपटा दो इलस्ट्रेशन 17 और 18। ठीक है जी, लो प्यारे बच्चों करते हैं स्टार्ट। बाबूजी पढ़ना शुरू करो इलस्ट्रेशन 17 मेरे साथ साथ। कहता है बेटा एक्स लिमिटेड परचेज ऑन 1st of April 2015 a second hand plant for 4 lakh and immediately spent 80,000 for its overhauling and 20,000 for its installation. Sir, overhauling samajhta hai koi? What do you mean by overhauling? Beta, badi huge repair ko overhauling bola jata hai. Kehta hai, aapne aaj 4 lakh ki machinery khareedi, 80,000 ki huge repair karai aur 20,000 installation. सर जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं हुई तब तक वो मशीनरी है, यानी कि बेटा मुझे मशीनरी, मुझे वो प्लांट 5 लाख रुपए का पड़ा, 4 लाख का नहीं, बात ओके। कहता है बेटा ऑन 1st of October 2018 द प्लांट बिकेम ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर 2 लाख। बेटा प्लांट खराब हो गया, आपने 2 लाख का बेच दिया। कहता है डैप चार्ज करो 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट मैथड, यानी कि बेटा SLM के बेसिस पे ही चलना है, लेकिन बेटा अब आपसे कहता है ये दोनों तरीके से करके दिखा दो, देखोगे अगर आप नीचे, लेकिन मैं बेटा सिर्फ इस तरीके से करके दिखाऊंगा क्योंकि आपको पता है ये वाली बातें तो बहुत हो गई, ठीक है ना। 16 क्वेश्चन शुरू के करे भाई, ठीक है ना। तो बेटा हम बात करते हैं SLM के हिसाब से ही चलना है, लेकिन बेटा कब चलना है हमारे को, वेन प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट इज मेंटेन्ड, ठीक है जी। बाबू नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, आप मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, हार्दिक देख बेटा 1 अप्रैल 2015 को आपने 5 लाख की मशीनरी खरीदी है, ठीक है। सॉरी बेटा 31st of March 16
31st of March 17, 31st of March 18 भी निकल गया और कहता है बेटा 1st of October 2018 को आपने ये मशीनरी 2 लाख की बेच दी और डैप लगना है ओरिजिनल कॉस्ट पे, ठीक है जी। चलो जी, लो प्यारे बच्चों, मैंने एक बात बोली थी हार्दिक, इसमें एसेट अकाउंट को तब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक मशीनरी बिक नहीं गई। तब तक क्या करेंगे बेटा, परचेज वैल्यू को ही ब्रॉड डाउन करते जाओ, कैरेट डाउन करते जाओ, कुछ नहीं बदलेगा बेटा, ठीक है जी। तो बेटा आपने यहां पर प्लांट खरीदा है, लो जी प्लांट अकाउंट बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, दूसरा अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। भाई लो बेटा, 2 अकाउंट बनेंगे बेटा, एक प्लांट अकाउंट और एक बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा सामने देख रहे हैं जिनसे नहीं हुआ, बेटा 1st of April 15 को आपने प्लांट बाय करा जिसकी वैल्यू है 5 लाख, ठीक है जी। आपने एंट्री करी होगी बेटा प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹5 लाख, ठीक है जी। और बेटा 3 साल बीत गए, 3 साल में आपने कभी ये मशीनरी नहीं बेची। सर जब तक मशीनरी नहीं बिकती, सेम वैल्यू कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन, कुछ नहीं करना बेटा। तो बाबू ये सबसे इजी अकाउंट होता है, 31st of March 16 बाय बैलेंस कैरेट डाउन वैल्यू आई 5 लाख। बेटा अगला साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5 लाख की वैल्यू। साल खत्म हुआ 31 मार्च 17 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 5 लाख। बेटा ये साल भी खत्म हुआ, अगला साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 17 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5 लाख। तीसरा साल खत्म हुआ 31 मार्च 18 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 5 लाख। सर जब तक मशीनरी नहीं बिकी, सिंपल सिंपल एक ही बात करते चले गए, 1 अप्रैल 18 साल शुरू हुआ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5 लाख। सर अब तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, पता लग गया होगा इस मेथड में क्या है। कुछ नहीं करना बेटा, एसेट अकाउंट में तो कुछ होता ही नहीं, एसेट अकाउंट में तब कुछ होगा जिस दिन एसेट बिकी है बेटा। यानी कि मैंने ये साल हो गया, ये साल हो गया, ये साल हो गया बेटा, अब यहां पर पहुंचा हूं बेटा, इस साल में एसेट बिकी हुई है तो मैं अभी रुक गया, ठीक है। अब यहां पर आओ बेटा, इस अकाउंट में क्या होगा बेटा, आपने ये मशीनरी खरीदी, आज साल पूरा हो गया, अब डैप लगाना है। एंट्री क्या की होगी, अभी बताया था मैंने इस मेथड में एंट्री क्या होती है, डेप की, सारे खर्चे डेबिट होते हैं। आपने एंट्री की होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये एंट्री करी होगी। और बेटा SLM पे डेप लगना है बेटा, यानी कि पहले साल का डेप भी 50,000, दूसरे साल का डेप भी 50,000, तीसरे साल का डेप भी 50,000। तो बेटा 50,000 रुपये से ही एंट्री करी आपने। सर आप ये अकाउंट बना रहे हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, दिस अकाउंट इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग कहां पर होगी, क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड है, लेकिन नाम किसका आएगा, सामने वाली साइड का, बाय डेप्रिसिएशन। और ये एंट्री हो गई बेटा जब पहला साल खत्म हुआ है, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन। और बेटा डैप लगाया 50,000 रुपये का, अभी तक बताओ हार्दिक कोई दिक्कत तो नहीं, साल खत्म हो गया बेटा, बैलेंसिंग कर दो इस अकाउंट की। कैसे करते हैं बैलेंसिंग इस अकाउंट की, सर कोई भी अकाउंट हो बैलेंस करने का तरीका क्या है, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल इज 50,000, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख लो, लिख लिया हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ, बैलेंस यहां पर आ गया, क्या नाम लिखूं बेटा, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। अगला साल अगले दिन बाद शुरू है, 1 अप्रैल 2016 साल शुरू हो गया अगला, बैलेंस को दोबारा ब्रॉड डाउन करो, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन वैल्यू आई 50,000, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ गई बात। सर आप यहां पहुंच चुके हो, ठीक है बेटा, फिर साल खत्म हो गया, फिर डैप लगेगा बेटा,
31 मार्च 17 बाय एंट्री, फिर वही बेटा बाय डेप्रिसिएशन, और बेटा डेप की अमाउंट भी सेम 50,000 रुपए, एसएलएम में तो डेप की अमाउंट भी नहीं बदलती, ठीक है हार्दिक। फिर बैलेंसिंग कर लो, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड, अक्षत सामने देख लिया यार, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड, लिख दिया हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ। फिर बैलेंस आ गया यहां पर 31st ऑफ मार्च 17 बैलेंस आया, टू बैलेंस कैरेट डाउन 1 लाख रुपी, यही आया ना बैलेंस, क्लियर सर। अगला साल शुरू हो गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस जो कैरेट डाउन करा यही ब्रॉट डाउन कर दिया बेटा 1 लाख रुपी, अब तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। यहां पर हो तीसरा साल, फिर खत्म हो गया बेटा 31 मार्च 18, एंट्री हुई होगी दोबारा वही डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है 31st of March 18 टू बैलेंस कैरेट डाउन, बेटा कितना कैरेट डाउन होगा 1,50,000, अगेन हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड। अगला साल शुरू हो गया बेटा 1 अप्रैल 18, एंट्री हुई होगी बेटा, सॉरी बैलेंस ब्रॉट डाउन किया होगा आपने 1,50,000 का, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात तक सर, कुछ भी नहीं कर रहा मैं तो, ये एंट्री पास करे जा रहा हूं डैप टू प्रोविजन फॉर डैप, यही बैलेंस, ये बैलेंस आ गया, फिर एंट्री करी डैप टू प्रोविजन फॉर डैप, फिर बैलेंस निकाला, फिर एंट्री करी डैप टू प्रोविजन फॉर डैप, ये बैलेंस आ गया, ठीक है सर। अब जो डैप लगेगा वो 6 महीने का लगेगा, ठीक है ना, 1 अप्रैल से लेकर बेटा 1 अक्टूबर तक 6 महीने का डैप, सारे साल का डैप 50,000 है तो 6 महीने का कितना 25,000, एंट्री तो फिर सेम, एंट्री तो फिर यही होगी डैप टू प्रोविजन फॉर डैप, बस अमाउंट बदल गई 25,000। तो बेटा ये ले 1st of October 18 बाय डेप्रिसिएशन, और बेटा ये डेप्रिसिएशन है 25,000 का, यानी कि बेटा इसका टोटल है 175। भाई जिस दिन एसेट बिकी है वो यही दिन है, और जिस दिन एसेट बिक जाती है, जो कोई बैलेंस होता है इस अकाउंट में, जो भी बैलेंस होता है 175 बैलेंस है, सब हम कहां पहुंचा देते हैं बेटा, प्लांट अकाउंट या एसेट अकाउंट में पहुंचा देते हैं। सर पहुंचा दो, आज के दिन एसेट बिकी है 1st 10 18 को बेटा, टू प्लांट अकाउंट 1,75,000 पहुंचा दो जी यहां पर सर, ये रहा 1st October 2018, क्या लिखोगे बेटा यहां पर बाबू, एंट्री करी होगी आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 1 अक्टूबर, जिस दिन मशीनरी बिकी है, जितना बैलेंस होता है प्रोविजन में, जितना बैलेंस, सारा का सारा कहां पहुंच जाता है बेटा, एसेट में पहुंच जाता है, ठीक है ना बेटा। और मेरे पास बैलेंस था 175। सर देखो प्लांट अकाउंट इज ऑन अ प्लांट अकाउंट अब बना रहे हैं हम, प्लांट अकाउंट इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड, लेकिन नाम क्या आएगा बेटा, सामने वाली साइड का, और सामने वाली साइड क्या है बेटा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,75,000, ठीक है सर। आपने कितने का प्लांट बेचा आज के दिन, 2 लाख का सर, 5 लाख की मेरी एसेट थी जब मैंने खरीदी थी, आज तक का डैप 175, यानी कि अभी भी वैल्यू 3,25,000 है, और आपने 2 लाख में बेच खाया, यानी कि लॉस खाया आपने बेटा 1,25,000 रुपए का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बेटा अकाउंट फिनिश। सर जब तक एसेट बिकी नहीं, एसेट अकाउंट में तो कुछ भी नहीं करते, और इसमें क्या करते हैं, डैप निकालते चले जाते हैं बेटा, उसी को जोड़ते चले जाते हैं, डैप इकट्ठा करे जा रहे हैं बेटा, हर साल का इकट्ठा करे जा रहे हैं, जिस दिन एसेट बिकी सारा डैप उठा के यहां डाल देंगे। सर नॉर्मल मेथड में क्या करते थे, हर साल का डैप लगाते थे, हर साल का बैलेंस सीडी, हर साल का डैप, हर साल का बैलेंस सीडी। इसमें क्या हो रहा है, लग तो हर साल का रहा है लेकिन इस अकाउंट में नहीं लग रहा,
उसे इकट्ठा कर रहे हैं ये, और एक दिन डालेंगे बस, इतना सा चेंज है। अब समझ आई बात? अच्छा, अगर ये WDV मेथड होता तो क्या बदल जाता? सर इस अकाउंट पे कोई फर्क ना पड़ता। फिर बदलता क्या? पहले साल लगता 5 लाख पे 10% डैप 50,000, यहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू आती 4.5 लाख, फिर डैप लगता 45,000, यहाँ वैल्यू आती 4,05,000, फिर डैप लगता 40,500 रुपये, और बेटा फिर फर्दर डैप लग जाता। बस यहाँ पर ये डैप की अमाउंट बदलती जाती, पहले साल 50,000, यहाँ होता 45, यहाँ होता 40,500, और यहाँ जो भी आता बेटा बस ये बदल जाता। ऐसे ही पर बेस्ड है बेटा इलस्ट्रेशन 18 करके दिखा दो, तुम अक्षत करके दिखा दो। बेटा आज के लिए आपका होमवर्क है, जिसने बेटा 19-20 दोनों कर लिया उनके लिए कोई होमवर्क नहीं है, जिन्होंने बेटा 18 कर लिया उन्होंने 19-20 दोनों करना है, जिसने 19 कर लिया उसके लिए सिर्फ होमवर्क 20 है। इलस्ट्रेशन 18-19-20 बस ये होमवर्क है। सर कल अगर होमवर्क ना हुआ ना किसी का भी, सर मैं तोड़ दूंगा, पक्का बोल रहा हूँ। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।